Dear friends, myself Dr. Mira Mishra, and today I'm going to start basic differentiation part 6. In this lecture I have taken a topic, differentiation by trigonometric transformation. So sabse pehle trigonometric transformation ko padhne se pehle maine kuch dekhe yahan par result likh rakhe hain, to aap sabse pehle un result ko learn kare. Zaruri hai ki aap pehle in result ko लर्न करें. क्यों? क्योंकि आप देखिए कि सारे के सारे रिजल्ट जो हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हैं. जिन्होंने पढ़ रखे होंगे वेल एंड गुड, अच्छी बात है, पर जिन्हें नहीं आते हैं वो इन चैप्टर में कंटिन्यू करने से पहले इन रिजल्ट को अच्छे से लर्न कर लें. ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ. स्टार्टिंग से पहला रिजल्ट क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है. अब अगर यहाँ से अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सेम चीज़ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. आप टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करके, या sec square theta की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है. सेम थर्ड वन, 1 प्लस cot square theta इक्वल्स टू cosec square theta. फोर्थ वन है आपका sin 2 theta इक्वल टू 2 sin theta cos theta. बहुत ही जगह यूज़ होता है इसका, sin 2 theta इक्वल्स टू 2 sin theta cos theta. और अगर इन 10 के रिस्पेक्ट में पूछें, 10 theta के रिस्पेक्ट में sin 2 theta की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. नेक्स्ट cos 2 थीटा, cos थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होता है आपका, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा sin के रिस्पेक्ट में. cos और sin दोनों के रिस्पेक्ट में क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. और tan थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. ये चारों वैल्यूज कॉस 2 थीटा के वैल्यूज हैं. इनके मतलब मींस है कि हमें जैसी नीड होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम उस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 6 वन पे. बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और बेसिक रिजल्ट हैं, ये आप सभी को आने चाहिए. नेक्स्ट है हमारा 6 वन. 6 वन है हमारा tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा. देखिए कंफ्यूज मत करिएगा, साइन 2 थीटा और tan 2 थीटा का फॉर्मूला देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन नीचे यहाँ पर देखिए प्लस है, साइन वाले में नीचे प्लस है और जो tan वाला उसमें नीचे माइनस है, तो आप ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट है साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. कॉस 3 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा. नेक्स्ट 9th वन, टेन 3 थीटा इक्वल टू 3 टेन थीटा माइनस 10 की पावर का क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा. तो ये तो हो गए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ एक दो फॉर्मूले, वो भी आप ध्यान रखिए. जो जो हमें ज़रूरत लगेगी इस चैप्टर को पढ़ने में फॉर्मूलों को, वो सारे फॉर्मूले ज़्यादा की आपको लर्न करने पड़ेंगे. तो टेन इन्वर्स एक्स, यहाँ पे मैंने लिखा प्लस माइनस, मीन्स प्लस के लिए क्या होगा फॉर्मूला और माइनस के लिए क्या फॉर्मूला होगा, दोनों मैंने यहीं पर बताए हैं. तो टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई इक्वल टू होता है टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई. नीचे जो होता है डिनोमिनेटर में, अगर यहाँ पर प्लस होगा तो नीचे डिनोमिनेटर में माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो नीचे डिनोमिनेटर में प्लस हो जाएगा, राइट. नेक्स्ट है 2 tan इनवर्स एक्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई जगह पूछा जाता है, कई जगह इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला. वैसे तो सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इनवर्स के फॉर्म में ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, साइन इनवर्स के रिस्पेक्ट में 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर
अगर 2 tan इनवर्स x को 10 के रिस्पेक्ट में लिखना है तो tan इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर, अगर 2 tan इनवर्स x की वैल्यू cos के रिस्पेक्ट में लिखनी है तो cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। नेक्स्ट कुछ सब्स्टिट्यूशंस हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर मान लीजिए फंक्शन इस तरीके का है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का, तो हम सब्स्टिट्यूशन करके इसको इजी कर सकते हैं। तो हम सब्स्टिट्यूट क्या कर सकते हैं, हम एक्स की जगह पर ए साइन थीटा डाल सकते हैं। ए साइन थीटा डालने से क्या होगा, यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर आपका रूट के बाहर आ जाएगा तो ए हो जाएगा, अंदर आएगा रूट के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का आप रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा। मींस यहां पर अगर हम ए साइन थीटा की वैल्यू पुट अप कर दें तो हमें इस सिंपल से जो वैल्यू मिल जाएगी वो ए कॉस थीटा हमें मिल जाएगा। इसी तरह से अगर ए कॉस थीटा हम पुट कर दें तो हमें यहां सिंपल से वैल्यू मिल जाएगी ए साइन थीटा सॉल्व करने पर। तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए सब्स्टिट्यूशन किए जाते हैं, तो जैसी हमें नीड होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसी का हम यूज़ करेंगे, उसी सब्स्टिट्यूशन को हम लेंगे। आप सपोज़ मान लीजिए यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर है पर आपको क्वेश्चन दिया हो वहाँ ए स्क्वायर के बजाय 1 दे दिया जाए तो और एक्स स्क्वायर लिख दिया जाए, 1 लिख दिया जाए और एक्स स्क्वायर लिख दिया जाए। सपोज़ इस तरह से आपको हो, इस तरह से होगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मान लीजिए ऐसे दिया हो, तब हम क्या पुट करेंगे, तब भी हम ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखकर पुट अप करेंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू क्या है, ए की जगह पर 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ जो ए हमने लिया है उस ए की जगह पर हम फिर 1 ही लेंगे, यानी कि तब हम एक्स इक्वल टू साइन थीटा लिखेंगे या फिर एक्स इक्वल टू कॉस थीटा लिखेंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि हमसे क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उस सब्स्टिट्यूशन को सब्स्टिट्यूट करके अपने क्वेश्चन को इजी बनाएं। और नेक्स्ट वन इज सेकेंड वन, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है रूट में तो हम टेन थीटा पुट कर सकते हैं, ए टेन थीटा पुट कर सकते हैं या फिर ए कॉट थीटा पुट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं साइन कॉस टेन कॉट और फिर या सेक कोसेक, ठीक है। नेक्स्ट वाला अगर आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, अगर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो आप ए सेक थीटा या फिर ए कोसेक थीटा पुट अप कर सकते हैं, जो हमें डिपेंड करेगा जो ऐसा क्वेश्चन हो, जैसा मैं पहले आपको बता चुकी हूँ अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर नीड उसके अकॉर्डिंगली आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज अगर आपका मान लीजिए रूट ए माइनस एक्स है तो एक्स इक्वल्स टू ए कॉस टू थीटा हो जाएगा। देखिए ए जो है डिपेंड करेगा इसके ऊपर, जो ये फॉर्मुलों में ए दे रखा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो आपको वहाँ क्वेश्चन दिया होगा ए की जगह जो वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने इन सब्स्टिट्यूशन में ए की वैल्यू को लेंगे। नाउ नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, कुछ फॉर्मूले ऐसे भी होते हैं कि जैसे मान लीजिए कहीं हो साइन इनवर्स साइन थीटा तो आप इसे थीटा लिख सकते हैं, इसी तरह से कॉस इनवर्स मतलब साइन इनवर्स हो और ब्रैकेट में सेम फंक्शन यानी कि साइन थीटा हो, इसी तरह से कॉस इनवर्स कॉस थीटा तो वैल्यू थीटा आएगी, टेन इनवर्स टेन थीटा तो थीटा आएगी। तो इस ये भी बहुत जगह यूज़ होगा तो आप इसको समझ लीजिए, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ही है कि साइन इनवर्स अगर साइन थीटा है तो उसकी वैल्यू हम थीटा लिख सकते हैं। तो हमारी बहुत कोशिश होती है, हमारी कोशिश रहेगी कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या तो हमारी ऐसी फॉर्म आ जाए ताकि हमारा सीधे सीधे आंसर निकल आए, या डिपेंड करता है कि हम जो ऊपर हमने सब्स्टिट्यूशन लिए हैं उसको हम यूज़ करके अपने जो भी क्वेश्चन है उसको हम ईजी बना लें। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट टेन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप यहाँ देख रहे हैं इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहा गया है इस टेन इनवर्स को, और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टेन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो आपको डिफ्रेंशिएट, आपको पता है टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, x का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि आप इसका स्क्वायर करेंगे देन सॉल्व करेंगे देन वैल्यू निकालेंगे। तो ये बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन आ जाएगा, उसको सॉल्व करने में मुश्किलें भी आएंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाए। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब ये आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको पता है कि आपने 10
टेन का फॉर्मूला अभी आपने देखिए ऊपर पढ़ा है, यहाँ पर टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या था, टू टेन थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये कुछ उसी तरीके से लग रहा है कि टू एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इस क्वेश्चन में एक्स की जगह पर टेन थीटा पुटअप कर दें तो ये देखिए हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टेन टू थीटा का फॉर्मूला बन गया हमारा। और अभी मैंने आपको बताया चाहे साइन हो चाहे टेन हो चाहे कॉट हो चाहे कोसेक हो चाहे सेक हो, ठीक है, अगर टेन इनवर्स टेन थीटा लिखा है तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स टेन टू थीटा है तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, टू थीटा आ गई। अब टू तो हमने एज इट इज लिख लिया, थीटा कहाँ, थीटा की वैल्यू हमने कैसे लिखी, यहाँ से। यहाँ देखिए हमारा एक्स इक्वल टू कितना है, टेन थीटा है, और हम यहाँ से थीटा के थीटा इक्वल टू अगर निकाल लें यहाँ से तो कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, हमें टेन इनवर्स एक्स मिल जाएगा, वो हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन देखिए बहुत आसान हो गया है। अब एक तरह से फंक्शन हमारा क्या हो गया, वाई इक्वल टू ये किसकी वैल्यू आ गई, दिस इज योर वाई। अब वाई इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स आया, आपसे डिफरेंशिएशन पूछा था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब आप कर लेंगे आसानी से डी वाई बाई डी एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का आपको पता है वन अपॉइंट वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो टू अपॉइंट वन प्लस एक्स स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो अब आपने देखा कि एक सब्स्टिट्यूशन रखने से हमें कितनी आसानी हो गई कि छोटा सा एक्सप्रेशन आ गया उसको फिर हमने आसानी से डिफरेंशिएट कर लिया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है डिफरेंशिएट कॉट इनवर्स वन बाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ रहा है कॉट इनवर्स, बाहर कॉट इनवर्स है, इसका मतलब अगर हम अंदर कॉट में ले आए तो हम हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो अब हम कॉट में कैसे लें, हमने फिर यहाँ पर भी देखिए एक्स की जगह पर एक्स इक्वल टू टेन थीटा लिख लिया, और आप पता है कि जो टेन थीटा है वो कॉट का रेसिप्रोकल है, ठीक है, जो कोसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल है, जो सेक है वो आपका किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर देखिए वन अपॉन टेन थीटा है, तो वन अपॉन टेन थीटा को हम कॉट थीटा लिख सकते हैं। फिर देखिए क्या आ गया, कॉट इनवर्स कॉट थीटा, इट मीन्स थीटा हो गया, और थीटा की वैल्यू फिर से हमने यहाँ से निकाल ली, थीटा इक्वल टू क्या हो गया, टेन इनवर्स एक्स यहाँ पर रख दिया। अब देन हमने ये किसकी वैल्यू हमारी वाई की, और फिर हमने इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दिया, तो डिफरेंशिएट करने पर हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया, और वो कितना आ गया, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। राइट, और नेक्स्ट वन, डिफरेंशिएट कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर से आपसे कह रहा है कि कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है बाहर कॉस इनवर्स है, यानी कि अंदर अगर हम कॉस का कोई फॉर्म ले आएँ तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो हम इस एक्स में क्या पुटअप कर दें, तो आपको हम पहले भी दिखा चुके हैं, देखिए इसीलिए मैंने कहा था इन फॉर्मूलोज को रटना बहुत ज़रूरी है कि कॉस का देखिए पहले कोई फॉर्मूला क्या है इसमें सटोमेटिक का, देखिए कॉस वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब अगर वहाँ पर हम टेन थीटा पुटअप कर दें, ठीक है, वहाँ पर हम टेन थीटा पुटअप कर दें। तो क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए क्या है, हमने x की जगह पे tan थीटा पुटअप किया, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये देखिए वही फॉर्म बन गया आपका cos 2 थीटा का फॉर्म बन गया। अब cos 2 थीटा का फॉर्म बन गया है, यानी कि cos इनवर्स cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 थीटा, और फिर थीटा की वैल्यू पुटअप कर दी तो tan इनवर्स x, नाउ अगेन डिवाइड बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए tan इनवर्स x को, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ज़्यादातर केसेस में, ज़्यादातर क्वेश्चंस में टेन थीटा लिया गया है, क्यों, क्योंकि ज़्यादातर एक्सप्रेशंस जो टेन थीटा के फॉर्म में ही हमारा फॉर्मूला दे रहे होते हैं। ठीक है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर जगह आप टेन थीटा ही लेंगे, जैसे ही हमारी क्वेश्चन की नीड होगी उसके अकॉर्डिंगली हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए आप देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है कि sec इनवर्स वन अपॉन टू एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि sec इनवर्स वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारा वाई हो गया, दिस वन इज़ योर वाई, दिस वन योर वाई। अब हाँ यहाँ पर देखिए sec इनवर्स है, अब अंदर है वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस वन,
तो हमने x की जगह पर क्या पुट अप किया, अब की बार हमने cos थीटा पुट अप किया, क्यों, क्योंकि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, अभी मैंने ऊपर कहाँ पढ़ाया था cos 2 थीटा, कई फॉर्मूले होते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो सारे फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने, cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, कई जगह आपको ज़रूरत पड़ती है उसकी, तो आप सारे फॉर्मूले ज़रूर ध्यान में रखिए, तभी आपको फ्रूटफुल लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, दिस वन इज 1 अपॉन cos 2 थीटा, अब जो cos 2 थीटा है 1 अपॉन में, आपको पता है 1 अपॉन cos थीटा रेसिप्रोकल होता है किसका, sec थीटा का, तो यहाँ से थीटा की जगह 2 थीटा है तो sec 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है, और फिर sec 2 थीटा तो sec इनवर्स sec 2 थीटा यानी कि 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से हमने रख दी तो कितनी वैल्यू हो गई, थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से रखी तो cos इनवर्स x, अब आपने ये किसकी वैल्यू आई है, दिस इज़ योर y, दिस इज़ योर y, अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसे, dy by dx इक्वल टू 2, ठीक है, cos इनवर्स x है, तो cos इनवर्स x का हमने डिफ्रेंशिएशन बताया था आपको कितना था, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट अप कर दीजिए, तो माइनस 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। और नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट टेन इनवर्स ब्रैकेट में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है और किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, अगेन हमने एक्स इक्वल टू टेन थीटा लिया, इसमें पुट अप किया, तो पुट अप करने पे देखिए हमारे पास क्या आया, रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मतलब कितना हुआ, आपको हमने फॉर्मूला ऊपर बताया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर रूट है तो सेक थीटा होता है, ठीक है, सेक थीटा होता है, ठीक है, सेक थीटा, फिर से लिख लेते हैं इसे, दिस वन इज सेक थीटा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने देखिए और सेक थीटा को हम क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं क्योंकि रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पर देखिए रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हमने 1 अपॉन कॉस थीटा लिख लिया, माइनस 1 टेन थीटा, अब हमने क्या किया है, अब हमने टेन थीटा को, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अब खाली सिंप्लीफाई किया है, ठीक है, कैसे किया सिंप्लीफाई देख लीजिए, बताती हूँ आपको, यहाँ से देखिए जो ये वाला स्टेप है, ये वाला, इसमें हमने कॉस थीटा एलसीएम ले लिया, तो कितना हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, और नीचे टेन थीटा है, तो अभी हमने बताया टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, तो पलट जाएगी आपकी, तो साइन अपॉन कॉस था, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, अब ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब जो बचा वो देखिए आपका ये लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, लेकिन अभी अब देखिए हमने क्या किया है, इसमें कुछ फॉर्मूले देखिए मैंने पहले भी जब फॉर्म आपको पढ़ाया था इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था वहाँ पे भी मैंने कुछ फॉर्मूले यूज़ किए थे, तो उन फॉर्मूलों का भी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं, आपने अभी पढ़ा है कॉस 2 थीटा के कई फॉर्मूले अपने पढ़े हैं, तो एक तो पढ़ा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक आपने पढ़ा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर है कॉस थीटा, और ये फॉर्मूला किसका, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ 1 माइनस में है, ठीक है, तो 1 माइनस में है इट मीन्स कि हम यहाँ पर एक ऐसा एक्सप्रेशन ले लें जिससे कि हमारा 1 कट जाए, तो अगर देखिए ये वाला लेंगे तो माइनस बाहर आएगा, इस वाले इस जगह रखेंगे तो माइनस बाहर है, तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा और ये वैल्यू जुड़ जाएगी, हमारा 1 कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इस एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे, लेकिन अभी भी एक चीज़ यहाँ पर है, यहाँ जो है ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया अभी, पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ कॉस थीटा दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम साइन के फॉर्म में लिख रहे हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर
थीटा बाय टू हो जाएगा। अगर यहाँ पर थीटा होगा, टू थीटा के बजाय थीटा होगा, तो यहाँ पर थीटा बाय टू हो जाएगा। तो हमने वो फॉर्मूला पुटअप कर दिया। तो देखिए वन माइनस, फिर फॉर्मूला क्या था, वन माइनस, फॉर्मूला क्या था आपका, वन माइनस। तो यहाँ पर देखिए माइनस की वजह से ये माइनस हो गया, और ये वन माइनस होता था तो ये प्लस हो गया, ठीक है, दिस वन इज योर प्लस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है साइन थीटा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा है अभी, मैंने आपको ऊपर देखा है, आपने क्या था, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन थीटा दे रखा है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला एंगल हाफ हो जाएंगे, यानी कि टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, ठीक है। और ये वैल्यूज हमने यहाँ पुटअप कर दी। तो देखिए वन से तो माइनस वन कट गया, वन से तो माइनस, और यहाँ पर देखिए टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू है, और नीचे टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू है, तो टू से टू कट गया, साइन थीटा बाई टू से साइन थीटा बाई टू कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, साइन, हमारे पास बचा साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू। अभी मैंने आपको बताया था टेन थीटा को हम क्या ले सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। टेन थीटा को हम ले सकते थे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पर कितना है, साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, तो इसे हम क्या ले सकते हैं, टेन थीटा बाई टू। तो यहाँ पर हमने क्या किया, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू पुटअप कर दिया। अब देखिए हमारा आ गया टेन इनवर्स टेन थीटा के फॉर्म में चीज़ आ गई, यानी कि टेन इनवर्स टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा होती है। तो यहाँ थीटा की जगह क्या है, थीटा बाई टू, तो आपने थीटा बाई टू लिख लिया। अब वन बाई टू, चूँकि आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो आपको थीटा के फॉर्म में लिखे नहीं रहने देना है इसे, इसमें थीटा की वैल्यू को पुटअप करेंगे। फिर थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपकी, टेन इनवर्स एक्स, क्यों, क्योंकि थीटा इक्वल्स टू आपने क्या माना था, थीटा इक्वल्स टू आपने, सॉरी, एक्स इक्वल्स टू आपने क्या माना था, एक्स इक्वल्स टू आपने माना था टेन थीटा। तो फिर थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा आपका, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो वो वैल्यू यहाँ पर हमने पुटअप कर दी, तो पुटअप करने पर ये आ गया। अब इसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि अब हमें डीवाई बाई डी एक्स निकालना है। तो वाई हमारा आ चुका है, अब डीवाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो टेन एज यूजुअल टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, हाफ बाहर है तो हाफ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, डिफ्रेंशिएट कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये भी देखिए आपकी फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स है, ठीक है। आप अगर देखें फिर से एक बार फॉर्मूले पर नज़र डालें, तो देखिए फॉर्मूले सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, सबका देखिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। फोर फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा है, वहाँ पर क्या दिया हुआ है, फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, ठीक है। इट मीन्स कि अगर हम अगर एक्स की जगह पर कॉस थीटा डाल दें तो वो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, कॉस थ्री थ्री थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम यही काम करते हैं वहाँ पर, यही काम हम करते हैं वहाँ पर, राइट। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स की जगह पे कॉस थीटा डाल दिया, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा आ गया। अब ये कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला बन गया हमारा, तो कॉस इनवर्स कॉस थ्री थीटा इक्वल टू थ्री थीटा हो जाएगा। फिर थीटा की वैल्यू हमने पुटअप कर दी यहाँ से निकाल कर, थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल कर पुटअप कर दी यहाँ पर, तो थ्री कॉस इनवर्स एक्स आ गया। और फिर आपका कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, यहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस आ गया और थ्री मल्टीप्लाई में है, तो इसका आंसर कितना हो गया, माइनस थ्री रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब आपने देखा कि सारे के सारे फॉर्मूले जो रिज़ल्ट हैं ये कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इन रिज़ल्ट को आपको ध्यान में रखने हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूले आप ध्यान में रखिए, देन इसके बाद आप क्वेश्चंस पे अप्लाई करिए, आई एम श्योर कि आप इसे कर पाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।